ये तो एक ड्रीम कम ट्रू है, एक ड्रीम कम ट्रू है। ये सपनों की दुनिया है। यहाँ पे सुबह शाम रात दिन हर घड़ी यहाँ के रंग ही अलग हैं। यू नो आप देखिए अभी थोड़े बादल कहाँ पे यूरोप यूके जो पूरा घुमाए है ना अपनी वाइफ को, ना केवल मेरे हस्बैंड भी कुछ सुने, ना केवल इंटरनेशनल घुमाए, पूरा पूरा दुनिया घुमाई हुई है। ये देखो हिमाचल खूबसूरती का राज देखिए पहाड़ों का हिमाचल। ओके okay. हिमाचल में कहाँ से? ऊना से। टू गुड कॉर्नर ब्यूटीफुल वाओ ओके। ये यहाँ की इन्होंने जो एक एक चीज का ध्यान रखा है, लाइक आपने अगर कोई रूम में आपने एक थीम रखी है जिसमें ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर के साथ आप फ्लोरल लेकर आए हो जो आप पहाड़ी इलाके में आपके फूल उठते हैं, आपका ग्रीनरी फुल ऑफ ग्रीनरी हो, एकदम अलग था वो। हम क्योंकि हम यूपी के हैं, हमने यूपी में भी खाया है, हम बंगाल भी हैं, हम दिल्ली साइड भी हैं, हम हर तरफ रहे हुए हैं, बट यहाँ का मुझे जो यूनिक कंटेनर्स यू कैन सी देयर। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्टार्ट विद जूसेस, यू गॉट वाटरमेलन, fresh milk, fruit, buttermilk. We have cold and hot milk, cold flexes, smiling faces are there in the morning. Bahut badhiya, very good. Pancakes bana rahe? Yes ma'am, pancakes. Pancakes. Uska main wo kya hota hai? Batter kya hota hai? Maida? Maida kam padta hai ma'am, vanilla powder hota hai. Kaun sa powder? Vanilla powder. Vanilla powder? Yes ma'am. Okay. Milk and sugar. Milk and sugar. शुगर फ्री का भी बन सकता है? तो एक बनाइए पक्का, वो शुगर फ्री नहीं डाल सकते उसको? अच्छा कोई बात नहीं, एक छोटा सा बनाइए आप। ये देखिए कितना स्माइलिंग फेस है और पीछे का बैकग्राउंड आप देखो, वाह ब्यूटीफुल। क्या है शेफ यहाँ पे स्पेशल? और दिस आर ऑन नॉन वेज, हम तो प्याज भी नहीं खाते तो हमें मत ही दिखाइए। अच्छा ये सब पूरा नॉन वेज सेक्शन है? ये वेजिटेरियन है शेफ? एक बात बताइए ऑनेस्टली, किचन अलग अलग है, यूटेंसिल्स अलग है? ओके गुड। ये देखिए पैनकेक बन रहा है, वनीला पाउडर, मैदा, शुगर, मिल्क, राइट? थोड़ा छोटा बनाइएगा, पतला और छोटा, क्रिस्पी। ये देखिए इसलिए एक उत्तपम मुंडी, राइट? नहीं नहीं, मतलब जो तरीका है बनाने का। ओके एंड इसको किसके साथ खाना है? हनी के साथ? इसमें मेरे टॉपिंग। ये सब ये क्या क्या चीज़ें बताएंगे? मेपल सिरप है, मेपल सिरप है, चॉकलेट सिरप है, चॉकलेट सिरप है, चॉको चिप्स, चॉको चिप्स हैं।
ऑल राइट। और इसमें आप क्या बना रहे हैं? वेफल्स बनाएंगे। यस, स्प्राउट्स। दिस इज फ्रेश पाइनएप्पल, फ्रेश मस्कमेलन, वाटरमेलन। You've got all kind of chutney, mint sauce, tomato ketchup, pickle, nariyal chutney, tomato chutney. This is fruit yogurt and this is plain curd. Then you have plain butter. You've got all kind of cheese. Here we have inka apna bakery ka items hain ki sab. Eggless. Donuts. Small sandwiches, really. एक ही चाहिए उनको छोटा सा। ओके, बीटरूट ब्रेड, शेफ डोसा, ये गोभी पराठा। हाउ इज डोसा? वेरी टेस्टी, यम है एकदम। ओके, ये इन्होंने जो आपने मैंने आपको दिखाया बनाते हुए, वेरी गुड। पैनकेक बहुत डिलीशियस है। उसी पर मैं आने वाली थी कि पहाड़ी खाना, पहाड़ी रोटी। एक उन्होंने हमें जो खीर खिलाई थी, जो जंगोरे की खीर, वो खीर मैंने राइस उन्होंने दिखाए तो वो लग रहे थे जैसे समा के चावल हैं, बट वो नहीं थे वो। और वो उसमें एक अलग ही टेक्सचर था, उसका अलग ही स्वाद था। जैसे आज मुझे बताया गया यहाँ पे रेड राइस होता है, तो वो रेड राइस एक अलग ही राइस होता है जो मैंने कभी नहीं ऐसा खाया भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं है। प्लस इन्होंने एक अलग तरह के आलू जो मुझे कल खिलाए थे, जिसमें जो क्रिस्पीनेस थी, जिसमें जो टेस्ट था, जिसका जो फ्लेवर था, वो एकदम अलग था। वो हम, क्योंकि हम यूपी के हैं, हमने यूपी में भी खाया है, हम बंगाल भी हैं, हम दिल्ली साइड भी हैं, हम हर तरफ रहे हुए हैं, बट यहाँ का मुझे जो दिखा और यहाँ की रोटी मुझे बड़ा अलग लगा। क्योंकि वो वैसे बेसिकली रागी, आज बताया गया मुझे कि वो रागी का आटा होता है, लेकिन इसको यहाँ पहाड़ी भाषा में बोलते हैं मडुए की रोटी बोलते हैं। और वो रोटी ना इतनी हल्की थी, जो हम रागी का आटा खाते हैं, जो हम रागी की रोटी खाते हैं वो, और इस रोटी में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा। तो कह रहे थे रागी का है, बट मुझे लगा कि वो रागी नहीं है, पहाड़ी का कुछ, मेरे पहाड़ का कुछ अलग ही। हाँ, पर मुझे बताया गया कि वो रागी। और जो पालक हमने अभी तक खाते आए हैं और जो पहाड़ के पालक की सब्जी है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। इवन पहाड़ की पालक की सब्जी अभी मैंने देहरादून में भी खाई, फिर कल यहाँ पर भी खाई। और मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे पालक काफ़ी ज़्यादा खाने में आता है, बहुत ज़्यादा आता है। और उसका एक टेक्सचर अलग था सब्जी का। और वो मुझे बोल रहे थे कि ठीक है हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने अलग चीज़ें डाल के वो सब्जी को बनाया, जो एकदम ही अलग तरह की सब्जी थी। हाँ, एक यहाँ का रायता, वो रायता पहाड़ी रायता जिसमें कि वो पुदीने में और कुकम्बर डाल के बनाते हैं और प्लस उसमें तड़का देते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा था। और मॉर्निंग में आपकी जब सुबह होती है, आप जब जाते हो तो एक चाय का ठेला लगा हुआ है, जिसको देख के आपके चेहरे पे खुद ही मुस्कान आ जाती है। आप बाहर जाके देखते हो तो एक अलग उन्होंने एक ठेला लगाया हुआ है, जिस पर कि वो कुलचे बना रहे हैं, उस पर वो स्टफ्ड पराठा दे रहे हैं, प्लस आपको भटूरा दे रहे हैं। और आपका अंदर आप आते हो तो आपके इतने सारे दिखते हैं, जहाँ पे कि आपको छोले से लेके और हर चीज़ है, कॉन्टिनेंटल से लेके इंडियन तक का सबका ध्यान उन्होंने रखा हुआ है। और मॉर्निंग वॉक कैसी रही? सो नाइस, ब्यूटीफुल कपल। शायद आप कल शाम को भी थे, है ना? एंजॉय, यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग। क्या नाम है आपका? आई एम रोमा नंदा। रोमा नंदा फ्रॉम गुड़गांव। सर अमित नंदा। ओके, आइए। पहले मसूरी तो आते रहते होंगे आप? मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स। देखिए दोस्तों, ये होती है ना लाइफ, निकालिए कुछ पल जिंदगी के। देखिए कितनी बार आ चुके हैं गुड़गांव से मसूरी, निकालिए कुछ वक्त और बिताइए यहाँ पे। राइट मैम, ट्रैवल को लेके शौक है आपका? कहाँ कहाँ घूमी है? कुछ इंटरनेशनल घूमी है अभी तक? कहाँ पे? वी हैव बीन टू यूरोप, यूके, यूरोप, यूके, दुबई एंड ऑल। ये तो आजकल एवरीवन इज गोइंग, एवरीवन इज गोइंग, थाईलैंड एंड ऑल। हां, वेरी नाइस, पैशनेट।
तो ये हस्बैंड इज़ लाइक वेरी गुड, ऐसा सारे हस्बैंड ऐसे होने चाहिए जो पूरा घुमाए है ना अपनी वाइफ को, ना केवल मेरे हस्बैंड भी कुछ सुने, ना केवल नेशनल इंटरनेशनल घुमाए, पूरा पूरा दुनिया घुमाई हुई है ये देखो को इनसे, इन्होंने पूरी दुनिया इनको घुमाई हुई है, मैं कहा ऐसे हस्बैंड होने चाहिए। हाँ अच्छा मसूर के बारे में और ये रिजॉर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Nice resort, but it's very central. So every time we come here, listen so many things about Marriott's भी है यहाँ पे सब है. But we only land up here only because it's very much nearby. So always you come to this one? Normally. Normally many times. Yeah, yeah. That's very good. Okay. So although I have been first time here, drive or we come by car. You by or you drive? Yeah. Very nice. इसमें सबसे ब्रैंडफोर्ड के अंदर पार्किंग फैसिलिटीज है, सबसे बढ़िया देयर द टाइमिंग ना लाइक यू कैन कम बिफोर 4:30 क्योंकि हम कल दोपहर में आए थे उन्होंने अंदर नहीं आने दिया 4:30 यू कैन कम इनसाइड यू हैव टू पे सम चार्जेस देन यू कैन कम। अच्छा इसके मसूरी के अलावा आप लोग और भी कहीं जाते हैं आसपास लाइक लैंडोर या फिर? नहीं नहीं वी वेंट टू लैंडोर लास्ट टाइम ना, हम लोग तो काफी बार आ चुके हैं ना, तो हम लोग जा चुके हैं। नाउ वी आर दिस टाइम वी आर नॉट प्लानिंग सो वी आर हियर ओनली व्हेन यू केम डे बिफोर यस्टरडे एंड व्हेन यू आर गोइंग बैक टुमारो। तो ये है ना दोस्तों, देखिए सीखिए, मैं तो हमेशा अपने व्यूअर्स को बोलती हूँ कि ना कुछ समय तो निकालें ट्रैवल के लिए, दुनिया देखें। हाँ ना स्ट्रेस बस्टर भी है, और जब भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है तो किसके लिए बनाई है, देखने के लिए नहीं, और उसके लिए बाद आप फ्रेश भी हो जाते हैं। वही नहीं आपसे सीखेंगे लोग ज़रूर कि मैम कितनी बार मसूरी आ चुकी हैं और पूरी दुनिया तो घूमी है क्या। That's very very nice. I wish you all the best. ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और लोगों को प्रेरणा दीजिए, और हमारे व्यूअर्स भी आपको देख के जरूर कोई ना कोई तो यहाँ पे आए गए। वेदर सही है एकदम, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा वेदर है। आप गुड़गांव से हैं? हाँ। एक बार बताइए ये गुड़गांव और यहाँ के मौसम में क्या डिफरेंस है? यहाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वहाँ तो इतनी गर्मी थी और यहाँ इतना प्लेजेंट क्लाउडी वेदर, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे तो पोल्यूशन, हॉर्न्स, ट्रैफिक, सब कुछ क्लाउड्स का है। हाँ, शुरू से आप मसूरी में रही हैं? नहीं मैम, मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया यहाँ पे रहते हुए। 1.5 ईयर जी। इससे पहले आप कहाँ पे थी? बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल, खूबसूरती का राज देखिए पहाड़ों का हिमाचल। ओके जी, हिमाचल में कहाँ से? ऊना से मैम। ऊना, वाओ। ऊना और यहाँ पे क्या फर्क है वेदर में, मौसम में? वैसे भी बहुत फर्क है मैम, क्योंकि वहाँ पे अभी गर्मी है। वहाँ गर्मी है? वहाँ पे गर्मी है अभी। अच्छा, और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, तो मेरा तो मन ही नहीं करता घर भी जाने का। अरे बाप रे। ओके, मसूरी में सबसे बेस्ट फूड है नो डाउट। अच्छा है, सच में अच्छा है। इवन चाय, इस चाय का ठेला वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत सुंदर था। हाँ हाँ, इसका अपने मानसून तो मैं तो कवर करने आई मानसून, और आज जब से हमारे मानसून ही मिल रहा है तो आई फील मैं से वेरी लकी अबाउट इट। क्राउड नहीं है, बिल्कुल शांत है, क्योंकि क्राउड में आप घूम नहीं पाओगे कहीं। राइट, वो भी इशू रहता है। और बादलों के बीच में हमें बादल आ जा रहे हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इससे अच्छी वेदर भी कहाँ चाहिए आपको, और इतना एम्पल स्पेस भी है।
तो बहुत अच्छा लगा. तो दैट यू आर सेलिंग हैप्पीनेस. जी मैम. हेयर. तो क्या सेल कर रहे हैं आप? आप हैप्पीनेस को सेल कर रहे हैं. जी मैम. दैट इज रियली वेरी गुड. तो दोस्तों, जो आदमी सेली हैप्पीनेस कर रहे हैं, दे से दैट वी सेल हैप्पीनेस, तो और क्या चाहिए? आप दो तीन दिन के लिए आते हैं सुकून के लिए, सुबह से लेकर रात तक मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर, सब लोग आपको मुस्कुराते मिलेंगे. पास मॉल रोड के बिल्कुल पास, और कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन मार्क लगे कि अरे ये कमी रह गई, ओ डिस्टेंस लोकेशन. अच्छा लगा आपसे मिलकर. मुझे लगा एक फैमिली के लिए होता है रूम. ओके. हाउसकीपिंग. मैं कम इन प्लीज. वाओ, ये हुई ना बात. ओके. इस बिल्डिंग में सारे ये तो अभी ज्यादा ग्रुप आ रहे हैं कोई. yes, तो आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं आराम से. नाइस वॉशरूम है, ड्रेसअप एरिया गुड. दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट. क्या बात है. वाओ. फ्रॉम दैट प्लेस. हाँ, तो भाई कभी विला बनाया तो उसमें काम भी आएगा. यहाँ पे एक जना चेयर पे बैठ जाए और एक जना यहाँ पे सुनो. और बाहर के नजारे के साथ यू कैन हैव योर. ये डिफरेंट ही एकदम. बहुत सुंदर है. कनेक्टेड डोर है. ये भी रूम है. ये भी रूम है. yes. हाँ, ये तो हमने देखे नहीं. और यहाँ लाइट. ये भी रूम है. वाओ. इसी प्रॉपर्टी को बनाना बहुत आसान है, इसको मेंटेन करना. ब्यूटिफुल, वेरी नाइस दोस्तों. ये तो एक ड्रीम कम ट्रू है. एक ड्रीम कम ट्रू है ये. ये सपनों की दुनिया है. यहाँ पे सुबह शाम रात दिन हर घड़ी यहाँ के रंग ही अलग हैं. यू नो, आप देखिए अभी थोड़े बादल छट गए हैं, थोड़ा सा व्यू नज़र आने लगा है. थोड़ी देर में सारा व्यू नज़र आएगा और फिर ये बादलों से घिर जाएगा. तो मसूरी ज़रूर आइए, कुछ समय निकालिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा. मसूरी आइए. फर्न में. फर्न में. फर्न एक्चुअली सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ से हर चीज़ पास में है, तो ये बहुत कन्वीनियंट है. बहुत बड़ी पार्किंग है इनकी खुद की. हाँ, और क्योंकि लोकेशन मीन्स यू नो, क्योंकि ये एकदम मॉल रोड पे है. वॉक करते हो आप मॉल रोड चले जाइए. यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है मसूरी में, लेकिन इनके पास एम्पल पार्किंग है. सो मेनी कार्स कैन बी पार्क्ड हियर. जहाँ मर्जी आप जाएं, लैंडोर ऊपर 5 किलोमीटर दूर जाके लैंडोर घूमे. ये लोग खुद भी लैंडोर में ब्रेकफास्ट करवाते हैं. okay. और आई डोंट नो, हम लकी हैं कि नहीं कि हमें मॉर्निंग में लैंडोर में ब्रेकफास्ट मिलेगा, क्योंकि मौसम थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है. अदरवाइज यू नो, अमेजिंग. या आई थिंक आई विल गिव यू गिव इट 9 out of 10. 9 क्यों? 10 क्यों नहीं? क्योंकि हर जगह पे, चाहे वो चाहे इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्यों ना हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ तो स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट का, राइट? तो एक तो भगवान कुछ ना कुछ तो छोड़ता है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे और क्रिएटिव हो जाओ, कुछ और करो. तो हमेशा हाँ, 9 बिकॉज अदरवाइज इट्स 10 out of 10, बट 9 बिकॉज हो सकता है इनकी क्रिएटिविटी कुछ और भी रंग लेकर आए, राइट? तो ये इसलिए. अदरवाइज वेरी गुड, वेरी नाइस. Fun Club Suite. Yes. All right. ये तो सेम जो हम नीचे ठहरेंगे. हाँ जी. आपको ये हमारा इंटरकनेक्टेड डोर है बीच में. ये पूरा एक फैमिली रूम बन जाता है पूरा. हाँ हाँ. वाह. सो हाउ इज द एडवेंचर ऑफ सीइंग द रूम? कैसा लगा? अमेजिंग. बहुत बढ़िया. Fantastic. आप तो आर्टिस्ट हो वैसे भी. yeah. तो आपको तो आर्टिस्टिक चीजें अच्छी लगती हैं. बहुत सुंदर है. एंड जो लोग हैं वो बहुत खूबसूरत हैं. वो नेचर वाइज बहुत ही अच्छे हैं. दे आर सो वेलकमिंग. राइट. यहाँ पे रुकना चाहिए और यहाँ पर रुक के मसूरी की रूह को महसूस कर सकते हैं. एब्सोल्युटली.
आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप क्या बोलोगी? वैसे तो आपने बताया, देखिए पूरा आर्टिस्टिक है वो, मुझे जो खूबसूरती लगी वो मुझे यहाँ की, इन्होंने जो एक एक चीज का ध्यान रखा है, लाइक आपने अगर कोई रूम में आपने एक थीम रखी है जिसमें ग्रीन कलर है, और ग्रीन कलर के साथ आप फ्लोरा लेकर आए हो, जो आप पहाड़ी इलाके में आपके फूल उठते हैं, आपका ग्रीनरी फुल ऑफ ग्रीनरी होती है, और सूदिंग होता है बहुत, जो तो उसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा किया है, क्योंकि से अगर इन्होंने इसमें रेड एंड पिंक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन किया, तो उनके वॉलपेपर से लेके वो आपके कर्टेन से लेके आपके हर चीज़ में वो चीज़ दिखाई पड़ेगी, जो मुझे बड़ी अपील कर रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है कि हाँ आपके मॉर्निंग से लेके आपकी नाइट तक आप आराम से बहुत ही जगह आप बिजी हो सकते हो, आसपास बहुत चीज़ें देखने की हैं, और मेरे ख्याल से उसके बाद भी एक दिन पूरा आप बिताना इस रिसोर्ट में चाहोगे, इस होटल में चाहोगे, क्योंकि यहाँ की एक अलग ही वाइब्स हैं। रणवीर जी, जी मैम, बहुत बढ़िया एड्रेस आपकी, थैंक यू, और बहुत अच्छी जगह, आप क्या यहीं के रहने वाले हैं? जी मैम, गढ़वाल से हैं। गढ़वाल से हैं, और यहाँ के मेन शेफ हैं। हाँ जी, तो आपने ये जो हमें पकौड़े बनाए हैं जी, शाम को साग है जी, और उसके साथ सरसों की रोटी, सरसों का साग, मक्के की रोटी, अभी पकौड़े के साथ, सरसों के साथ मक्के की रोटी, पकौड़े के साथ आपकी बेकरी का जो आपने बनाना केक दिया एंड आपने बिस्किट्स दिए, वो भी आप ही की अपने बेकरी के? जी मैम, आपके ब्रेड वगैरह सब कुछ ये जो ब्रेड का आप हमें, एवरीथिंग इज। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, आप स्पेशल, आपने रिक्वेस्ट की होगी स्पेशल पूछने के लिए आए हमसे कि हमें कैसा खाना चाहिए, क्या चाहिए, वेरी कंसर्निंग एंड वेरी नाइस। देखिए बहुत अच्छा है कि आप लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं तो बिकॉज हम लोग प्यार लहसुन नहीं खाते हैं, तो हमें फायदा है, आप पूछ रहे हो तो हमें अच्छा मिल जाएगा एनी हाउ। और आपके पास मक्के की रोटी होगी रात में, तो फिर मिस्सी रोटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। मक्के की रोटी, देखो किसी चीज में तो हम खा नहीं रहे, नहीं। ये रहे आलू, मिस्सी रोटी, ये अच्छा, ये इसने रचना इनकी फेवरेट सब्जी है ना, जो पालक का कुछ तो है, बिल्कुल बिल्कुल स्वीट लास्ट में, ये पालक का है ना कुछ, तो आपने बताया राइट, Eddie. Beautiful. Thank you. Thank you.
कागज की कश्ती No? ये तो जगजीत सिंह हो गया और कौन सा अच्छा बलबल दिल के पास अंधी नहार या फिर बरसात पे कुछ मानसून पे वो आता है बरखा रानी जरा जम की बरखा मेरी भीगी भीगी सी बने तो वो थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह चेंज था उसमें ओके अभी उसमें चेंजेस आए अभी काफी अच्छे हो गए आपने चीजें मुझे बड़ी फैसिनेट करी यहाँ पर हालांकि आई डोंट नो हाउ टू वर्क आउट जो आपने कहा ब्रेकफास्ट इन द रेन फॉरेस्ट जी हाँ अलंदौर में उसके बारे में थोड़ा बताएं उसके बारे में मैम हम जैसे कुछ गेस्ट की रिक्वेस्ट होती है जिनको वहाँ पे करना होता है ब्रेकफास्ट हाँ उनको हम वहाँ पे लेके जाते हैं जी उनको वहाँ पे सर्व करते हैं पर्टिकुलर हमारे होटल से एक बंदा जाता है एक स्टाफ जाता है ओके जो कि वो सब चीज़ें वहाँ पे मैनेज करवाता है हाँ वहाँ पे काफ़ी मतलब टाइम तो मिल गया ओके जो मैं भी खुद गई थी लेने के लिए ओके क्योंकि फूड हमारा मसूरी में सबसे बेस्ट है उसकी वजह से तो क्या बताइए आप ये किस चीज की खीर है मैम ये जंगोरे की खीर है जंगोरे की खीर जी मैम और जंगोरा क्या होता है जंगोरा ये राइस होता है मैम एक पहाड़ी राइस इट्स राइस जी एक सामान के चावल होते हैं वो तो नहीं हाँ सेम वही है ये दिस इज डिफरेंट देखा ना आप एक काम करिए दिस इज वेरी डिफरेंट एक ले जाइए उसी को शेयर कर अच्छा देखते हैं ट्राई करके थैंक यू वेरी डिफरेंट अच्छा अच्छा मैम आप लीजिए जंगोरी की खीर जंगोरी आप टेस्ट मैं तो वैसे भी खीर खाती हूँ एक स्पून लीजिएगा खाना बहुत टेस्टी थैंक यू जोर से मैम आप वहाँ पे जाके कर सकती है तो मैं करूँ सो है एमिली एडी एक प्यार का नगमा है मोजों की रवानी है एक प्यार का नगमा है लाइट भीड़ के बीच
Thank you so much. Thank you so much.